अच्छा, जो जिस क्वेश्चन में आपको मसला होगा वो आप मुझे बता देंगे चैट के अंदर कि ये नहीं है, वो फिर मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट आंसर है उनको ही डिस्कस करता चला जाऊंगा। अच्छा, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्स कॉस्ट, दे चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन लेवल्स, दे आर आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं जी इनडायरेक्ट होती है, दे इंक्लूड रॉ मटेरियल एंड लेबर्स, नहीं दे रिमेन कॉन्स्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन चेंज, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका ताल्लुक उसके साथ नहीं होता, आपकी आउटपुट के साथ। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइन एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी लेते हैं। तो इसके अंदर 100 सिंपल एमसीक्यूज है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो स्लोप होती है टोटल कॉस्ट की वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, स्लोप बोल रहे होते हैं। फोर क्वेश्चन है री, विच कॉस्ट रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। जो फर्स्ट 20 एमसीक्यूज हैं वो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के बनाए हुए हैं, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन की डिफरेंट कंडीशन बताई थी, तो उसमें जो सबसे आखिरी पॉइंट था वो शट डाउन पॉइंट का कब था, जब आपकी जो प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपस में बराबर होती थी। तो वो पॉइंट वो होता था जहां पर हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉस्ट रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर आप सम ले लें फिक्स कॉस्ट का, इसके अंदर तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, इधर एवरेज का तो नहीं पूछा हुआ। इधर देखे ना, अब आप जो ये एमसीक्यूज दिया गया है उसकी मुनासिबत से आप देखें कि आपके पास सूटेबल ऑप्शंस क्या हैं। तो उसने क्या, सम ऑफ कॉस्ट, सम ऑफ ऑल कॉस्ट, सम ऑफ ऑल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन, ठीक हो गया। यानी कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करती है उसका लोएस्ट पॉइंट होता है। तो वहीं से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर वाले कर्व को हम सप्लाई कर्व भी कह रहे होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, और वो पॉइंट हमारा क्या होता है, शट डाउन पॉइंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट टिपिकली यू शेप्ड इन द शॉर्ट रन, हाँ जी, जो हमारा फिक्स कॉस्ट कर्व होता है, ठीक हो गया। यहाँ आना था एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक हो गया, इसको डी को आप एवरेज फिक्स कॉस्ट कर लेंगे। आप देखें ना कि शट डाउन पॉइंट मैंने बताया था, ये व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें आप, कि ये प्राइस थी, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व था और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था। इस पॉइंट को मैं क्या कहता था, शट डाउन पॉइंट कहता था, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इन शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी इज डिफाइंड बाय, तो अब शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसमें अगर हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रख लेते हैं तो इट मींस ये क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 8, द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारे। 9, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज सच दैट एमसी इंटरसेक्ट ए बी सी एट इट्स। ठीक हो गया। जो अभी ये जो डायग्राम आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ भी रही है, इसमें आप देखें कि जो एम सी है वो ए बी सी को किधर से इंटरसेक्ट करता है, उसके मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इस वजह से इन द शॉर्ट रन इफ मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देन इन द शॉर्ट रन इफ मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उस वक्त एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही होगी। ये देखे ना, अब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, अगर मार्जिनल कॉस्ट नीचे है यानी कि आप लेफ्ट साइड देखें, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हाँ जी, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड की बुक है उधर ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पर जो लोकल बुक है उसको उसको ब्रेकिंग ब्रेक डाउन पॉइंट कहा गया है। ठीक है, तो जो अच्छी बुक्स है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही हो। आपने, मेरा ख्याल है, शमाइला निजाबत, वो मेरा लेक्चर नहीं सुना, उसमें मैंने बताया था कि जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही यानी कि ये कर्व इससे भी ऊपर चला गया, तो उसे ब्रेक डाउन पॉइंट कहा हुआ है कई बुक में। ठीक हो गया। जिस तरह अहमद शाहिद की बुक है या एक दो और लोकल बुक्स में मैंने पढ़ा है, तो ऐसे ही अगर कोई अच्छी किताब हम पढ़े हैं तो उसके अंदर हमको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इससे ऊपर वाला, उसी को ही मैं सप्लाई कर्व कह रहे हैं। ठीक है, जब मैंने सप्लाई कर्व को भी डिस्कस किया तो उसके अंदर भी मैंने यही चीज आपको बताई थी। 10 क्वेश्चन हो गया, ये 11 क्वेश्चन। द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट, तो जब हम मैथमेटिक्स, हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है टोटल कॉस्ट की, तो हम उसको अगर डेरिवेटिव ले लें चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो इसका 11 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ टोटल कॉस्ट इज $1,000 एंड क्वांटिटी आउटपुट इज 100, व्हाट इज द एवरेज? तो एवरेज टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है ये, तो वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी कि 1000 को अगर मैं 100 पर डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इफ टोटल कॉस्ट इज, ये हो गया 12, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द टोटल एवरेज कॉस्ट, एटीसी से ऊपर है, तो एटीसी क्या होगी? तो जाहिर सी बात है ये इंक्रीजिंग हो रही होगी। अगर ये व्हाइट बोर्ड पर आप देखें कि एमसी अगर एसी से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा राइट साइड पर, कि हमारा जो एटीसी है वो इंक्रीज कर रही होगी। इफ टोटल फिक्स कॉस्ट इज 500 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 300, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है कि हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, जैसे कि ऊपर भी एमसीक्यूज पूछा गया था, तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इफ एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज, द एवरेज टोटल कॉस्ट मस्ट बी। ठीक है, अगर हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रही है, ठीक है, देखें ये व्हाइट बोर्ड की तरफ, के एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी कम हो रही है। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट ने तो कम ही होना है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये डिक्रीज भी हो सकती है, ये मिनिमम भी हो सकती है, ये इंक्रीज भी। ठीक है, तीनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑल आर पॉसिबल, इसका करेक्ट आंसर, इफ बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
एंड एवरी टोटल कॉस्ट आर इंक्रीजिंग देन मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी। तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको मार्जिनल कॉस्ट, अगर ग्रेट अगर ये इंक्रीज हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस कि आवाज ठीक नहीं आ रही आप लोगों को। हाँ जी, मुझे बताएं। चलें ठीक हो गया, डिस्टॉर्शन हो सकता है आपके पास कोई प्रॉब्लम हो। माइक मैंने उधर ही सेट किया हुआ है जहां मैं डेली करता हूँ। चलें जी, अब वो कहते हैं 16 के अंदर जो डायग्राम नजर आ रही है आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपको इसमें डी ऑप्शन एग्जैक्ट नजर आएगा। इन द शॉर्ट रन द मेन रीजन फॉर द यू शेप ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन। अब वो कहता है शॉर्ट रन के अंदर द जो यू शेप का आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होता है इज ड्यू टू रिलेशनशिप, वो किस वजह से होता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, यानी कि जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी की वजह से। मगर इसमें अगर हम देखें सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को जमा करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाता है। तो ये सी और डी इसके दोनों करेक्ट आंसर हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज डिक्रीजिंग एज आउटपुट इंक्रीज, तो ये भी करेक्ट है। कॉन्सेप्ट डेट स्टेट डेट द फर्म प्रोडक्शन एक्सपेंड इन द लॉन्ग रन एज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे डिक्रीज ड्यू टू बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इज नॉन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम यही हो रहा होता है कि हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल द रीजन वेयर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिक्लाइनिंग इज ड्यू टू। अब यहाँ पर LAC हमारा डिक्लाइन हो रहा होता है ना, उसके पीछे मैंने बताया था आपको जो रीजंस होती है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। यानी कि अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर होंगे तो उधर से आप जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले पोर्शन पर होंगे। ये दोनों एक दूसरे के, फॉर प्रोडक्शन और कॉस्ट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मिरर इमेजेस हैं। द एनवेलप कर्व इज फॉर्म बाय द पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन टू द वेरियस शॉर्ट रन कर्व एवरेज शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आर टेंजेंट। यानी कि जब हमने एनवेलप कर्व के जरिए ड्रॉ किया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के जरिए LAC को ड्रॉ किया था, तो वहां पर हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की टेंजेंसीज को लिया था। ठीक हो गया, तो उस तरीके से हमने LAC को ड्रॉ किया था। लॉन्ग रन कर्व भी अगर ड्रॉ किया जाए टोटल कॉस्ट का, तो वो भी टेंजेंसी ही होती है। इफ द प्लानिंग कर्व एंड एनवेलप कर्व कंसाइड, इट इंप्लाइज दैट द फर्म प्रोडक्शन इज ऑपरेटिंग एट इज मोस्ट एफिशिएंट लेवल एट इज लेस एफिशिएंट लेवल। तो जो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, वो जिसकी वजह जो प्लानिंग कर्व से हम एनवेलप कर्व की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो वो सब के सब हमारे मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट होते हैं। द एनवेलप कर्व इज इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट द आउटर लिमिट ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट डेट। जो एनवेलप कर्व के अंदर जब हमारे वो ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं, यानी कि मोस्ट एफिशिएंट हैं, तो मोस्ट एफिशिएंट किस बेस पे हम कह रहे होते हैं कि इधर हमारी जो कॉस्ट होती है वो अदर पॉइंट्स के मुकाबले में मिनिमम होती है और फिजिबल होती है। इफ द प्लानिंग कर्व एंड एनवेलप कर्व
ये रिपीट हो गया एमसीक्यूज, 22 और 24 हो गए। द एनवेलप कर्व, एनवेलप कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। द एनवेलप कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स डेट मिनिमाइज कॉस्ट लॉन्ग रन। यानी कि क्वेश्चन वही है पर डिफरेंट तरीके से पूछा गया। द पॉइंट एट विच टेंजेंट लाइन टू द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व टच द एनवेलप कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द पॉस्ट पॉइंट्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट को हम जिस तरह के फिक्स कॉस्ट, अगर आपने हबीबुल्ला बसीर साहब की बुक पढ़ी है तो उसमें फिक्स कॉस्ट के भी डिफरेंट नाम है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हम उसे कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक हो गया, और अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स कॉस्ट के भी काफ़ी ज़्यादा नाम है, जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये सब के सब जो कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट के नाम है, वो कहता है ओवरहेड कॉस्ट इज टोटल, इज द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि डिफरेंट कॉस्ट के नाम है जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के, तो ये ओवरहेड कॉस्ट उसका नाम यूज़ किया गया है। अगर आप उधर से हबीबुल्ला बसीर के इसके डिफरेंट नाम पढ़ें तो आपको इस चीज का, एमसीक्यूज का अंदाजा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व डिक्लाइन कंटिन्यूसली एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये वाहिद कॉस्ट का कर्व है जो आउटपुट के साथ डिक्लाइन होती रहती है कॉस्ट। इफ एन इनपुट इज ऑन्ड एंड यूज बाय ए फर्म, अगर एक आपकी फर्ज करें शॉप आपके अपनी है या कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्शन आपका अपना है, तो आप उसको अकाउंटिंग बुक में दर्ज नहीं करते, तो जब दर्ज नहीं करते तो उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो 30 का ए क्वेश्चन होगा। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होगी जी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। इसका ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर आउटपुट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो फिर भी हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। तो इसके दोनों ऑप्शन, अगर आपने ए लगाया वो भी करेक्ट है, बी लगाया तो वो भी करेक्ट है। द फॉलोइंग ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगन्स एट लेवल आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगेंस। अभी 20, ये देखें आप 32 एमसीक्यूज, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। ये मेरा कॉस्ट कर्व है, ये इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इससे पहले तो क्या हो रहा था, ये डिक्रीज ही हो रहा था, ठीक हो गया। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, इससे पता चला इसके अंदर तो कोई और ट्रेंड भी है। इसी तरह अगर आप आउटपुट को देखें, ये इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, तो इससे पहले तो आउटपुट इंक्रीज ही हो रही थी। इसके आने के बाद पता चला कि नहीं जी, आउटपुट के अंदर ट्रेंड क्या है, डिफरेंट है। तो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है या चेंज होती है, तो उधर से हमें पता चलता है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगन्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उधर से स्टार्ट हुआ है। दोनों डायग्राम्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये इसके जो करेक्ट आंसर है उसका पता चल जाएगा। वो क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न बिगेंस। तो कहाँ से डिमिनिशिंग स्टार्ट होता है, जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ फर्म हैज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज कॉस्ट, तो अगर लॉन्ग रन के अंदर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है कंटिन्यूसली, तो इसको हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। नेचुरल मोनोपोली की डेफिनेशन ही यही होती है कि जब कोई फर्म मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर कोई चीज को प्रोड्यूस कर रही है, तो इट मीन्स
वो क्या है, नेचुरल मोनोपोली है। तो ये बेसिकली जो 33 एमसीक्यूज में डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ ए फर्म हैज अ डाउनवर्डिंग स्लोपिंग ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये क्या कहलाएगी, नेचुरल मोनोपोली कहलाएगी। इफ ए लीनियर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन इज एस्टिमेटेड यूजिंग क्रॉस सेक्शनल डाटा, देन द क्रॉस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन विल बी, इफ लीनियर शॉर्ट रन वेरिएबल इफ लीनियर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन इज एस्टिमेटेड यूजिंग क्रॉस सेक्शनल डाटा, यानी कि लीनियर हमारे पास हुए, देन द क्रॉस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी हॉरिजेंटल। देखें जी, अभी ये मैं आपको ना दो तीन एमसीक्यूज हैं इसके, क्योंकि मैंने आपको लीनियर भी कॉस्ट कर्व पढ़ाया था। व्हाइट बोर्ड की तरफ देख लें अच्छे तरीके से। यस, दो तीन बच्चों ने पूछा था ये कैसे पॉसिबल है। ये टोटल कॉस्ट कर्व है आपका, ये फिक्स कॉस्ट है इधर 10, ये 5Q, ये लीनियर फंक्शन है आपका, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालूं मैं, तो पहले इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। ये 5Q इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एक दफा मुझे कमेंट्स में बता दें, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको, कमेंट्स में बता दें जरा, ताकि मैं ये ना हो कि मैं पढ़ाता रहूं नजर ही ना आ रहा हो आपको। ठीक है, जूम नहीं होगा इससे ज्यादा, ये बिल्कुल ठीक है, अगर सही नजर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। मैं देखता हूँ, वाह, जूम इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये फुल व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, इससे ज्यादा जूम पॉसिबल नहीं है, फिर छोटा हो जाएगा। चल हाँ जी, तो ये आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर एवरी वेरिएबल कॉस्ट करूंगा तो 5/Q, तो क्या हो गया, 5/, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगी, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 5 हो गए, ठीक हो गया। अब क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी 1, 2, 3 कर लेता हूँ। 1 के ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 10 है, और 2 पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना, 10 तकसीम 2 5 हो जाएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको समझ भी आ रही है या नहीं। एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 तकसीम 1, 10, 10 तकसीम 2 5, ये 3.3 आ गए, ठीक हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इधर कांस्टेंट है, वो क्या है, 5 ही है, ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गई, 15, 10, 8.3, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 5 5 ही है। अब इसके डायग्राम बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये 5 हो गई। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट वही है, पहले 10, फिर ये एक क्वांटिटी है फर्ज करें, ये 2/5 हो गई, फिर ये कंटिन्यूसली एवरेज फिक्स कॉस्ट कम ही हो रही है। अभी आ जाता है इंटरेस्टिंग चीज, ये एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट पहले 15 है, फिर कितनी हो गई, 10, फिर 8.3, ये एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ये डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे इनबॉक्स में, मैं उन्हें यही कह रहा था कि आप सब्र कर जाएं, क्योंकि मैंने वीडियो तो बनानी होती है, और वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट लीनियर भी हो सकती है। अब मेरा ख्याल है ये सबके पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए, कि ये एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन करेगी। डिक्लाइन क्यों करेंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लस करना है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो अगर क्यूबिक फंक्शन है तब भी ऐसी होगी, और अगर लीनियर फंक्शन है तब भी ऐसी। अगर इसको मैं क्यूबिक फंक्शन लिखता हूँ, क्योंकि 3 - 2Q² + Q + 10, तो ये तो इधर भी वही है, इधर भी वही है, फर्क क्या पड़ा, इधर का फर्क पड़ा। तो इसकी जो ये वाली फॉर्म थी ये मैंने उड़ा दी है, सिर्फ ये लीनियर बना दिया,
ठीक हो गया। ठीक हो गई। अब वो यही कह रहा है कि अगर इस तरह का ये है शॉर्ट रन, तो मार्जिनल कॉस्ट क्यों होगी हॉरिजेंटल, वो आप देख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट 5 है, हॉरिजेंटल मैंने बना दी है। ठीक द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, अगर आपकी फर्ज करें मार्जिनल कॉस्ट 10 है, तो जो स्लोप ऑफ लाइन वो क्या होगी, द स्लोप लाइन ड्रॉन टू टेंजेंट टोटल कॉस्ट वेयर आउटपुट। हाँ जी, अब वो क्या कहते हैं, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 10 इक्वल टू द स्लोप ऑफ ड्रॉन टेंजेंट एट द टोटल कॉस्ट वेयर आउटपुट इज 10। अब ये बात क्या कर रहा है, बात ये कर रहा है कि हमने फाइंड आउट करना है कुछ, मैंने बिल्कुल इजी एमसीक्यू कुछ कॉन्सेप्चुअल डाल लेते, ताकि जो जिन बच्चों ने कम पढ़ा है उन्हें भी फील हो कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कुछ लोगों ने अगर सिंपल बना दें तो फिर वो कहते हैं कि सर ने जान ही छुड़वाई है। टोटल कॉस्ट फर्ज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह ये तो लंबा कर दिया मैंने, दो दो कर लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब ये 10 आउटपुट है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करूँ। तो मैंने क्या बताया था, इधर मैं मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, टेंजेंट बना लूंगा इसके साथ। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी एवरेज कॉस्ट मालूम करना चाहता हूँ तो ओरिजिन से क्या करूंगा, रे उतारूंगा। ठीक है, पर इधर मार्जिनल कॉस्ट का पूछा गया है, तो वही उसका जवाब क्या है कि जहां पर मेरी 10 आउटपुट है, तो द स्लोप ऑफ लाइन ड्रॉन टेंजेंट टू द टोटल कॉस्ट, उसके साथ मैं क्या कर लूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा। इफ फर्म टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन डेट बिगेन एट ओरिजन। ठीक हो गया। अगर आपका फर्म का जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या है, ओरिजन से स्ट्रेट लाइन है जी, वो ओरिजन से, व्हाइट बोर्ड देखते रहें साथ साथ, क्योंकि अभी ये सारे कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, इनको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ये तो टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन है, तो जो मार्जिन रेवेन्यू है वो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, एवरेज रेवेन्यू। टाइम भी कम रह गया। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू जब आपका मैक्सिमम होगा तो उधर क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम, नहीं वहां पर मार्जिन रेवेन्यू जीरो होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, तो वो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, नन ऑफ द अबव इज करेक्टेड। इफ फॉर मार्जिन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट द फर्म शुड क्या करना चाहिए। देखिए जी, ये आपका मार्जिन रेवेन्यू बना हुआ है, ठीक हो गया, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। अगर मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो इक्विलिब्रियम तो इधर है ना, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसका प्रॉफिट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। अगर मैं इधर हूं, इधर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिन रेवेन्यू क्या है, कम है, तो इधर क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। तो वो यही पूछ रहा है इसमें कि इफ फर्म मार्जिन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो फर्म को क्या करना है, आउटपुट इंक्रीज करनी है ताकि इसका आउटपुट दो जाके इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। द इन्फ्लेक्शन पॉइंट रेफर टू द पॉइंट ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अभी मैंने डायग्राम बनाकर समझाया आपको। इफ कॉस्ट कर्व इज लाइन बाय स्ट्रेट लाइन डेट हैज ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट डेट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट देन। अब देखिए ना, वही अभी मैं जो मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ाया, एवरेज कॉस्ट इज नेगेटिव स्लोप एंड मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल, अभी जो थोड़ी देर पहले बात की। अब ये क्या कह रहा है कि आपका एक लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये देखें अभी बनाया ना आपके साथ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10 + 5 क्यू, ये इसका इंटरसेप्ट है, ठीक है 10,
और ये जो 5Q है ये इसकी स्लोप है, तो ये टोटल कॉस्ट का ये फंक्शन बन गया है। और ये आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसकी डायग्राम मैंने कैसी बनाई थी, डायग्राम ऐसी बनाई थी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट तो डिक्लाइन हो रहा था, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर थी, और जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही थी। ये भी मैंने आपको बनाकर दिखाया थोड़ी देर पहले, व्हाइट बोर्ड देख लिया, मैंने डायग्राम बना दी है उधर। इफ फर्म टोटल कॉस्ट कर्व इज डिफाइंड बाय स्ट्रेट लाइन डेट हैज ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट डेट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज नेगेटिवली स्लोप एंड मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजेंटल, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, हॉरिजेंटल होगी। अच्छा, इसको मैं दोबारा एक दफा पढ़ता हूँ। इफ ए फर्म टोटल कॉस्ट कर्व इज डिफाइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन का मतलब इधर पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का मतलब आपने हॉरिजेंटल नहीं ले लेना इधर, डेट हैज ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। अगर ये फर्ज करो ये बात करता कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फिक्स कॉस्ट ही है, ठीक हो गया, तो ऐसा तो कोई हमारे पास स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट ना हो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, 10 कॉस्ट, यानी कि जो कांस्टेंट है 10, इसके अंदर इंटरसेप्ट है, ठीक हो गया। 10 + 5Q मैंने लिखा है, 10 इसके अंदर इंटरसेप्ट है। तो अब देखिए, एवरेज कॉस्ट इज नेगेटिवली स्लोप एंड मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजेंटल, डायग्राम में देख लें कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी 10 है और ये, इफ फर्म इज प्रोड्यूसिंग ए लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक हो गया। अब जहां पर मार्जिनल, अच्छा, इफ फर्म इज प्रोड्यूसिंग एट लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट इज मैक्सिमम इफ मार्जिनल कॉस्ट हैज ए नेगेटिव स्लोप एंड मार्जिनल, हाँ जी, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि जब मैंने आपको डायग्राम बनवाई थी ना, उसमें मैंने दो तरह की चीजें बताई थी आपको, ये मेरे पास टाइम भी कम रह गया, ये टोटल रेवेन्यू था और ये टोटल कॉस्ट थी, इधर प्रॉफिट मैक्सिमम था, इधर लॉस मैक्सिमम था, ये मैंने इसका प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पर लॉस मैक्सिमम, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमम, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ठीक है, ये एमसी बनना शुरू हो गया, एमसी ने कट इधर भी करना है और एमसी ने इधर भी कट करना है, जहां पर ये राइजिंग कट करेगा वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और जहां पर ये डिक्रीजिंग कट करेगा, अब एमसी इजिकल टू एमआर, एमसी इजिकल टू एमआर दोनों ही है, राइजिंग वाले पे प्रॉफिट मैक्सिमम है और डिक्रीजिंग वाले पे लॉस मैक्सिमम होगा। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो कुछ जो एमसीक्यूज रह गए वो फिर मैं आपको वॉइस मैसेज में समझा दूंगा। 41 क्लियर हो गया। व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी जो एडिशनल कैपेसिटी होती है अनएक्सपेक्टेड जो डिमांड्स जो होती हैं उनको मीट करने के लिए, 42 पर। इफ मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी, हाउ डज रिजर्व कैपेसिटी इफेक्ट प्रोडक्शन, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि हमारी प्रोडक्शन जो एवरेज कॉस्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हम इसको रिजर्व कैपेसिटी कह रहे होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए बेनिफिट ऑफ मार्जिनल मेंटेनिंग रिजर्व कैपेसिटी इन ए प्रोडक्शन, अब नहीं दोबारा नहीं हो सकती, यासिर साहब वेट कर रहे हैं, उन्होंने 9:40 पर क्लास लेनी है, तो बाकी जो इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं और एजुकेशन के हैं वो कंसेप्चुअल नहीं है, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, और वो स्पेसिफिक मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक हो गया। तो वो तो मैं इस वजह से इंक्लूड करता हूँ कि आपने, क्योंकि एफपीएससी में अपेयर होना है तो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें जनरल नॉलेज मेरा सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, 49 करने हैं, 44 पर चले गए हम, ये 5 MCQs में इंशाल्लाह आपको वॉइस नोट में समझा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग रिजर्व कैपेसिटी इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, लोअर फिक्स कॉस्ट नहीं होती इसके अंदर, जब आप एवरेज जब आप रिजर्व कैपेसिटी को यूज करते हैं
तो उस वक्त आपकी थोड़ी सी एवरेज फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। तो ये 44 हो गए हैं, ये 5 MCQs हैं। ये इंशाल्लाह अगर मुझे लगा कि ये मैं समझा सकता हूँ वॉइस नोट में।